इतनी ज्यादा बर्फ बन रही है, कोई थोड़ी देर अंदर रह गया ना सुसिद्धा उसकी लाश बाहर निकलेगी। तुम्हारी माँ अंबिका जी इसमें की कोल्ड स्टोरेज एरिया में फंस गई है। राजीव परी से पूछ रहा है डांस करने के लिए और भाई उसको फ्लड भी कर रहा है। हम देख रहे हैं ना किस तरीके से राजीव एक अलग ही मूड में है और यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहा है कि वाकई में वो अपनी परी से बात कर रहा है और ये सारी चीजें देखकर ना नीति को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्योंकि नीति तो प्लान बना के आई है यहाँ पार्टी में कि भाई मुझे किसी तरीके से पार्वती से परिवर्तन छीनना है, तभी तो राजीव उसके पास वापस आ पाएगा। लेकिन राजीव तो यहाँ पर भाई पार्वती के साथ बिजी है और उस कॉलर प्लीज। आज तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, सब पर बात कर दूंगी मैं। बातें कर रहा है और यहाँ पर उसको ना शायद हो सकता है बार बार परी की याद आ रही हो। अब ये भी चीज हो सकती है कि यहाँ बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि राजीव एक अलग ही मूड में है, बहुत खुश है और यहाँ पार्वती उसको गुस्सा भी कर रही है। यहाँ पर राजीव ना उससे ये भी पूछ रहा है कि तुम्हें किस तरीके का लड़का पसंद है, मेरे जैसा ही पसंद है ना? तो यहाँ पर पार्वती बोलती नहीं, मुझे ना बहुत सीधा सा सोफिस्टिकेटेड और धोखेबाज तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ पर राजीव को धोखेबाज बोल रही है और उसको ना वही सारी चीजें याद आ रही है कि जब पहाड़ों पर से इसको गिराया था और यहाँ पर राजीव भी इन लोगों के साथ था और राजीव यहाँ पर इस तरीके का शो कर रहा है कि बहुत ही अच्छा है। और ये सारी चीजें ना परी को समझ में नहीं आ रही, मतलब परी ये दिमाग में सोच रही है कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। भाई मेरे को तो पता है ना राजीव ने नीति के साथ मिलके मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी और इतने साल कहाँ था वो, एक साल जब मैं नहीं थी तो मेरा पता क्यों नहीं लगाया अगर वो मुझसे वाकई में प्यार करता था। तो ये सारी चीजें हो रही है इन दोनों के बीच में और इसी बीच में ना भाई राजीव जो है ना वो उससे डांस के लिए बोलता है कि क्या तुम मेरे संग डांस करोगी। यहाँ पर परी बोलती भी है ना कि तुम्हारे लिए मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो यहाँ राजीव इसी को पकड़ लेता और बोलता है कि तुम तो ये भी बोलती हो ना कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है मेरे लिए, तो तुम्हें अब डर क्या है, तुम मेरे संग डांस करो और अगर तुम डांस नहीं करोगी तो मुझे ये लगेगा कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स है। तो ये सारी चीजें दोनों के बीच में हो रही होती है और नीति भाई वहां पर दूसरी जगह ढूंढने में लगी है राजीव को, क्योंकि यहाँ पर दिलजीत पर वो ऑलरेडी गुस्सा कर चुकी है कि भाई तुम राजीव के साथ ही रहना था ना तुम्हें, तुम्हें मैंने एक काम दिया वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर राजीव को देखते रहो ना कहाँ पर है, वो किससे बात कर रहा है, कहीं पार्वती से दोबारा तो वो मिलने नहीं चला गया और कहीं वो परी जो है वो सच तो नहीं बता देगी। तो इसी डर में ना भाई वो बहुत परेशान है और यहाँ हम देखेंगे कि नीति की एक नई चाल और आ गई है कि वो बंद कर देगी परी को कोल्ड स्टोरेज में।